नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज का जो पिक अ पाइल है, एक्चुअली पिक अ डेक है, जिसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे कि अप्रैल का महीना आपके लिए लव में कैसे रहेगा। आपकी कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, मैरिड, अनमैरिड, ऑन अ ब्रेक, सिंगल, लुकिंग फॉर रिकन्सिलिएशन, जो भी आपकी सिचुएशन हो, हम यही जानेंगे कि अप्रैल में लव का जो सिचुएशन है आपकी लाइफ में, उसमें क्या होगा। तो हमारे पास 3 पाइल्स हैं, एमेथिस्ट पाइल नंबर 1, क्लियर क्वार्ट्ज पाइल नंबर 2 एंड रोज क्वार्ट्ज पाइल नंबर 3। आप एक पाइल चूज़ करें। हम रोमांस एंजल्स का भी यूज़ करेंगे और चिट्स बनाई हैं मैंने, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर जो हैं, अगर आप सिंगल हैं तो उनके फीचर्स क्या हो सकते हैं, उनकी पसंद नापसंद क्या हो सकती है, तो कुछ अलग करने का मैंने कोशिश किया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आपका पाइल चूज़ करें एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग। थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, एमेथिस्ट, लेट्स सी अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए लव में कैसा रहेगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से कहना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं होगा। अगर ये आपकी रीडिंग नहीं है तो भूल जाइए, ज़बरदस्ती इसको फिट करने की कोशिश ना करें, कोई और पाइल चूज़ करें या किसी और टैरो रीडर का आप रीडिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आइए, होपफुली आपकी एनर्जीज जो हैं वो कार्ड्स में हम पढ़ पाएंगे। सबके लिए रीडिंग है, जनरल है, मैरिड, अनमैरिड, इन अ रिलेशनशिप, नॉट इन अ रिलेशनशिप, कि बस अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए लव में कैसा रहेगा। तो लेट्स सी, जिन लोगों ने एमेथिस्ट चूज़ किया था, हाउ इज़ अप्रैल गोइंग टू बी फॉर देम इन लव। अप्रैल का महीना पाइल नंबर 1 के लिए कैसा रहेगा। ठीक है, एज ऑलवेज प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट, लेकिन शायद सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इट हेल्प्स माय चैनल ग्रो। बहुत मोटिवेशन मिलती है कि और रीडिंग्स आपके लिए करें, तो प्लीज़ डू Definitely subscribe to my channel, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए प्यार में अप्रैल का महीना कैसा होगा। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी है, कम्युनिकेशन की है, 8 of Wands है, Knight of Swords, Hanged Man, ooh, the Empress, Justice, Page of Pentacles and the King of Pentacles। ठीक है, बहुत बढ़िया कार्ड्स हैं। रोमांस एंजल्स से देख लेते हैं कि क्या कार्ड्स निकलते हैं, फिर रीडिंग में आगे बढ़ेंगे। पाइल नंबर 1 एमेथिस्ट के लिए रोमांस एंजल से क्या मैसेजेस हैं प्लीज़। पाइल नंबर 1, ओके, रिलीज योर एक्स, मेक द एफर्ट एंड हनीमून, परफेक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यू कुड बी डीलिंग विद पाइसिस, यू कुड बी डीलिंग विद टॉरस, टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे, और यू कुड बी डीलिंग विद अ लीब्रा, जस्टिस का कार्ड है। तो आई थिंक जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनके लिए आई थिंक कि आपको डेफिनेटली प्रपोजल आएगा। अगर रिलीज योर एक्स हैं, तो अगर आप ब्रेक पे हैं या अगर आपका रिलेशनशिप टूटा है, आप बिल्कुल फ्री हैं, तो आई थिंक बहुत स्विफ्टली, बहुत क्विकली, 8 of Wands का मतलब होता है एक्शन, 8 of Wands का मतलब होता है कम्युनिकेशन, 8 of Wands का मतलब होता है क्विक मूवमेंट, क्विक एक्शन,
हाई एनर्जी है, एनर्जी है, इंथुजियाज्म की है, मूवमेंट की है, ग्रोथ की है, और एट जो है वो यू नो मास्टर नंबर कहते हैं, एक्शन का है, ग्रोथ का है, मैनिफेस्टेशन का है और चेंज का भी है. सो आई थिंक कि डेफिनेटली किंग ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे. जो इंसान आपके पास आएगा, जैसे मैंने कहा था, एयर साइन हो सकता है या अर्थ साइन हो सकता है, वाटर साइन भी है, लेकिन वो बहुत मेंटल क्लैरिटी से, बहुत हिम्मत करके, बहुत क्विकली आपके पास आएंगे. आपको प्रपोजल देना चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ा सा वो हिचकिचा रहे हैं, थोड़ा सा उनके मन में डर है, सोच रहे हैं कि आप उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे. हैंगमैन का कार्ड है यहाँ पे, जिसका मतलब होता है थोड़ा सा वेट करना या अलग तरीके से सोचना कि आपको कैसे प्रपोज कर सकते हैं. आप या आपके पार्टनर टॉरस हो सकते हैं. एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे. आपके जो पार्टनर हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जो आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं, वो उनके लिए आप वो आपको बहुत यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन फॉर देम. तो उनके लिए आप बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं. उनको लगता है कि आप स्टनिंग हो, दुनिया से सबसे अलग हो, बहुत सुंदर दिखती हो, बहुत क्रिएटिव हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत आर्टिस्टिक हो, बहुत खुद का में भी आपका बिजनेस है, या आप खुद काम करते हैं, या कोई क्रिएटिव एक्टिविटी आप इंजॉय करते हैं. तो आई थिंक आपके बारे में वो बहुत हाई ओपिनियन रखते हैं. अगर आप सेपरेशन में हैं, या अगर यू नो आप मैरिड हैं, तो आई थिंक कि जो जस्टिस का कार्ड है, ये कहलाता है कि आपको रिलेशनशिप में बैलेंस मिलेगा, जो आपका हक था आपको मिलेगा. जस्टिस का यही मतलब होता है कि जो गलत चीज़ें हो रही थी, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी. आपके पार्टनर चाहते हैं कि जो करेक्ट है, जो राइट है, वो आपको ऑफर करना चाहते हैं. तो अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, तो आई थिंक आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन छोड़ के वो आपके पास आएं, जो आपका हक है वो आपको दें. ऑफर का कार्ड है. शायद आपके पार्टनर आपसे उम्र में छोटे हैं, और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. आपके पार्टनर या आप टॉरस हो सकते हैं. अर्थ एनर्जी यहाँ पे काफ़ी है. आपके पार्टनर आपको जो भी सुख है, जो भी मटीरियलिस्टिक सुख है, स्टेबिलिटी है, घर है, गाड़ी है, पैसा है, गिफ्ट्स है, सब कुछ वो आपको देना चाहते हैं. मेक द एफर्ट का कार्ड है यहाँ पे. ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू गाइडेड टू टेक. सो आई थिंक डेफिनेटली वो अप्रैल महीने में जो भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी, जो भी आपके रिलेशनशिप में इम्बैलेंस था, आई थिंक वो डेफिनेटली क्लियर होगा. हनीमून का कार्ड है, तो आई थिंक वो आपको प्रपोज करेंगे. एंड आई होप अगर आइसोलेशन यू नो कंट्रोल आइसोलेशन ख़त्म हो जाए, जो यू नो प्रॉब्लम चल रही है, अगर वो कंट्रोल में आए, तो शायद यू नो यू विल इन्जॉय सम गुड टाइम टुगेदर ऑल्सो. इकट्ठा आप टाइम स्पेंड करेंगे, तो यू नो बहुत बहुत अच्छे कार्ड्स हैं. वेरी क्लियरली दिखाते हैं कि यू नो क्लैरिटी है इनके मन में, कि जो गलत हुआ था वो आपको ठीक करें, एंड आपका जो हक है वो आपको वो पक्की तरह से दें. अगर एक न्यू लव आपकी तरफ आ रहा है, तो यू नो इट इज़ एक्सट्रीमली गुड न्यूज़, बिकॉज वो अपने एक्स को पूरी तरह पीछे छोड़ के बिल्कुल नई एनर्जी से आपके पास आ रहे हैं. अगर आप शादीशुदा हैं और शादी में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ डोंट वरी. अप्रैल के महीने में बहुत अच्छा आपका रिकंसिलिएशन होगा. आपके पार्टनर आपको गिफ्ट्स देंगे, आपको
यू नो गिफ्ट्स देंगे, प्यार का ऑफर देंगे, अपने ढंग से कोशिश करेंगे कि वो आपसे माफ़ी मांगे या यू नो आप उनको फगिव करें। प्रेगनेंसी का भी कार्ड है ये, तो अगर यू नो आप चाहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जाएं तो डेफिनेटली अप्रैल महीने में उसके चांसेस हैं। अगर नहीं प्रेग्नेंट होना चाहते तो प्लीज़ बी केयरफुल, बिकॉज हनीमून का भी कार्ड है यहाँ पर और प्रेगनेंसी का भी कार्ड है। आप और आपके पार्टनर शायद इकट्ठा काम भी कर सकते हैं, मे बी आपका जॉइंट बिजनेस है, जॉइंट फाइनेंसेस है, मे बी उसके कारण कुछ नॉक झोंक हो रहा है, मे बी इकट्ठा आप ऑफिस में काम कर रहे थे इसके कारण आई थिंक थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आया था। लेकिन दीज आर फैंटास्टिक कार्ड्स, अप्रैल का महीना जिन्होंने पाइल नंबर 1 एमेथिस चूज़ किया था, जो आपका हक है वो आपको ज़रूर मिलेगा। रिकंसिलिएशन चाहते हैं तो आपको पक्का रिकंसिलिएशन मिलेगा, आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसे आपको मैसेज आएगा आपको बिलीव भी नहीं होगा कि यू नो ओके मेरे पार्टनर की मे बी उनको उनकी गलती रियलाइज़ हो गई है, उनको वो मेंटल क्लैरिटी मिली है और वो बहुत जोश मीन हो हिम्मत से एंड जोश से आपकी तरफ आना चाहते हैं। जैसे कि उनका ना एकदम से कहते हैं ना कि जैसे ट्यूबलाइट ऑन हो गई है कि उनको रियलाइज़ हो गया है कि उन्होंने क्या गलती की है, लेकिन कहीं तो भी थोड़ा सा वो डर रहे हैं क्योंकि आपकी शायद पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग है, आप इतने मे बी गुड लुकिंग है, इंटेलिजेंट हैं, खुद को अच्छी तरह संभालते हैं, तो आई थिंक कहीं उनको डर लग रहा है कि आप उनका शायद प्रपोज़ल मना तो ना कर दें। बट डेफिनेटली लव इज़ कमिंग योर वे, डेफिनेटली आपकी तरफ प्यार ज़रूर आएगा। तो मैंने यहाँ पे चिट्स बनाई हैं कोई थोड़ा सा आपके पार्टनर के बारे में जानने के लिए कि आपके पार्टनर के फीचर्स क्या हैं, नेचर कैसा है, उनके लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, तो थोड़ा यहाँ से हम पिकअप करके देखेंगे। ठीक है, ये मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो लेट्स सी कैसे होता है। चार्म्स भी मैंने एक्चुअली मंगाए हैं लेकिन डिलीवरी नहीं हो रही है, तो आई थिंक मोर देन इनफ, लेट्स सी। ठीक है, तो आपके या आपके पार्टनर के बारे में कोई चीज़ें हैं यहाँ पे, म्यूज़िशियन हो सकते हैं या उनको म्यूज़िक से बहुत प्यार होगा, थोड़ा नेचर में आप या आपके पार्टनर थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, डिसिप्लिन वाले हैं, जैसे चीज़ें होनी चाहिए ढंग से उनको वैसी ही चीज़ें रखनी हैं, थोड़े से शाय हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, खुल के लोगों से बोलने के लिए उनको अच्छा नहीं लगता। आप या आपके पार्टनर को जिम जाना बहुत अच्छा लगता है, बॉडी बिल्डिंग अच्छी लगती है, खुद की हेल्थ मेंटेन करना, बॉडी मेंटेन करना अच्छा लगता है, डॉक्टर हो सकते हैं या मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं या बिजनेस वुमन हो सकते हैं, लंबे बाल होंगे आपके आपके पार्टनर के, स्पाइसी तीखा खाना उनको खाना पसंद आता है, बाहर घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, आउटडोर्स अच्छा लगता है, मे बी माउंटेनियरिंग अच्छा लगता है या रॉक क्लाइंबिंग अच्छा लगता है या मे बी बीच के ऊपर जाना अच्छा लगता है, आउटडोर्स उनको खुला बहुत अच्छा लगता है, नॉनवेज फूड उनको बहुत पसंद है, उनकी स्माइल परफेक्ट है, अच्छे दांत होंगे, स्माइल उनकी बहुत परफेक्ट है, शार्प मेमोरी है उनकी, तो अगर डॉक्टर हैं, बिजनेस वुमन हैं, इंटेलिजेंट काफ़ी हैं, मेमोरी उनकी काफ़ी शार्प होगी। आप उनको या तो सोशल गैदरिंग में मिले होंगे या सोशल गैदरिंग में मिलने की संभावना है। पिक्चर देखना, मूवीज़ देखना उनको बहुत पसंद है, शायद दो बार आया है, शायद इंट्रोवर्ट हैं और शाय हैं, और उनकी शायद लाइट ब्राउन, लाइट ग्रे या लाइट ब्लू आँखें हो सकती हैं, और होटल कुकिंग बेकिंग केटरिंग का भी उनको शौक हो सकता है। तो ये है पाइल नंबर 1 के लिए वेरी क्विकली। तो इतना ही कहूँगी कि अगर आप ब्रेकअप पे हैं तो आई थिंक आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है कि उनकी गलती क्या है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन जैसे हमने इन नोट्स में भी देखा है कि थोड़ा शाय है या थोड़ा इंट्रोवर्ट है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो आपको कैसे अप्रोच करें, चाहते तो वो बहुत हैं आपको, आपकी सुंदरता अगर आप लड़की हैं तो या अगर आप मैन हैं तो बहुत हैंडसम है, बहुत क्रिएटिव हैं आप, बिजनेस वुमेन हैं, जिस चीज़ को हाथ लगाएंगे उसको सोना बना देंगे, ऐसा टाइप का आपका पूरा एनर्जी है, और जो भी पास्ट में आपकी
पार्टनर ने, आपके हस्बैंड ने जो भी गलती की थी उनको उनका रियलाइजेशन हो गया है और वो डेफिनेटली आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपको तोहफा देंगे और आगे जाके वो चाहते हैं कि हस्बैंड का कार्ड भी होता है ये, कि वो आपको हर टाइप का सुख जो है वो आपको पक्का दे। तो थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, थोड़ा सोच रहे हैं जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, लेकिन एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो डेफिनेटली वो आपके पास पक्का आएंगे एंड रिकन्सिलिएशन होगा, नोकझोंक जो थी वो पूरी तरह मिट जाएगी एंड आगे हनीमून का भी पीरियड डेफिनेटली है। उन्होंने या आपने आपका एक्स रिलीज़ कर दिया है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी ख़त्म हो जाएगी अप्रैल में, और जो एफ़र्ट वो पहले नहीं कर रहे थे वो रिलेशनशिप में डेफिनेटली वो टाइम और एफर्ट डालेंगे। तो दिस इज़ फॉर माई फ्रेंड्स हु चोज पाइल नंबर वन। अगर रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कॉमेंट। अगर रेजोनेट नहीं हुआ तो मे बी ये आपकी रीडिंग नहीं थी, ज़बरदस्ती फिट करने की कोशिश ना करें, दूसरा पाइल देखें या प्लीज़ नेक्स्ट टाइम आइए। एज ऑलवेज स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड प्लीज़ कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। वॉट यू फोकस ऑन इज़ वॉट यू गेट। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। ठीक है, तो पाइल नंबर, जिन्होंने पाइल नंबर टू चूज़ किया था, आई थिंक ये वाला था, जिन्होंने पाइल नंबर टू चूज़ किया था, क्लियर कॉर्ड्स, लेट्स सी उनकी रीडिंग में क्या है। ठीक है, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर टू क्लियर कॉर्ड्स चूज़ किया था, लेट्स सी व्हाट्स इन योर रीडिंग। ठीक है, ऑल माय फ्रेंड्स हु चूज़ पाइल नंबर टू क्लियर कॉर्ड्स, हाउ इज़ अप्रैल गोइंग टू बी इन लव फॉर यू। अगेन आपको कहती हूँ कि जनरल रीडिंग है, सबके साथ नहीं रेजोनेट होगी, अगर होती है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं होती है तो ज़बरदस्ती उसको फिट करने की कोशिश ना करें। व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर माय फ्रेंड्स हु हैव चोजन पाइल नंबर टू, अप्रैल का महीना लव में आपके लिए कैसा रहेगा। ठीक है, वन मोर, ओवरऑल एनर्जी है सेवन ऑफ पेंटिकल्स की, इंतज़ार है आपके लिए, वेट कर रहे हैं, ये बिलीव करते हैं कि आप उनके लिए इतने अच्छे हैं कि वो आपके लिए वेट करने के लिए भी तैयार हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है एंड द मून कार्ड है नंबर 18, पाइसिस हो सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, फायर एनर्जी काफ़ी है, नाइट ऑफ कप्स है एंड द क्वीन ऑफ कप्स। ओके, ठीक है, रोमांस एंजल से देखते हैं। फायर एनर्जी काफ़ी यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं या फिर पाइसिस हो सकते हैं, कप्स की भी एनर्जी है, वाटर साइन है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। वन सेकेंड, ऑल राइट, मेक द एफर्ट, पैशन एंड वेरी सून। ऑल राइट, तो आई थिंक आपके पार्टनर आपके लिए वेट कर रहे हैं। मे बी आप किसी कारण मे बी आप लोग सेपरेटेड हैं, पैशन बहुत है आप लोगों के लिए, फिज़िकली आप लोगों के लिए बहुत बहुत अट्रैक्टेड हैं वो। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं और क्वीन ऑफ कप्स हैं, तो जो मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पे वो एरीज, लियो और सैजिटेरियस हो सकती है, जो फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे वो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकती हैं। आपके लिए बहुत सारा उनके लिए, आपकी तरफ फ्रॉम देयर साइड आपके लिए बहुत पैशन है, और यहाँ पे भी पैशन का कार्ड है, बहुत एनर्जी है, बहुत आपके साथ वो
यू नो बहुत सारा कुछ करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, आपके साथ इंटीमेसी करना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक यहाँ पे जब मून कार्ड आता है तो कुछ ना कुछ आई थिंक आपके रिलेशनशिप में ऐसा है कि आप मे बी सेपरेटेड हैं, ऑन द ब्रेक हैं, थोड़ा को डिपेंडेंसी का कार्ड आता है, सीक्रेसी का थोड़ा कार्ड आता है यहाँ पे, ऐसा कुछ आपके रिलेशनशिप में है मे बी जो आपको और उनको दिख नहीं रहा है, तो ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट का पीरियड है, ये आपकी लाइफ में आई थिंक ये एक टाइम है कि मे बी आपके थोड़े इमोशंस आपको एडजस्ट करने हैं या आपको थोड़ा टाइम देना है उनके बारे में थोड़ा और जानने के लिए, मे बी बहुत नया रिलेशनशिप है या मे बी कुछ तो है जो छुपा हुआ है, जो ऊपर दिख नहीं रहा है, नीचे कुछ है जो आपको लग रहा है कि आपको ठीक से आपके पार्टनर के बारे में समझ नहीं आ रहा है, मदर के भी कोई इश्यूज हो सकते हैं, कोई फैमिली मैटर्स भी हो सकते हैं, कुछ तो आपकी सिचुएशन में ऐसा है जो आपको लग रहा है कि क्लियर नहीं है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ओवरऑल एनर्जी का कार्ड है, जिसका मतलब है कि आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना है, थोड़ा वेट करना है, मे बी आप सेपरेटेड हैं, मे बी अलग रह रहे हैं, एंड वेरी सून का कार्ड है यहाँ पे, तो इसका ये भी मतलब है कि बहुत जल्दी आप लोग इकट्ठा आएंगे। आपके पार्टनर जो हैं वो पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये, तो आपके पार्टनर में भी आपसे क्योंकि अलग हैं तो आपके ऊपर पूरी नज़र बनाए हुए बना के रखे हुए हैं, आपका सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं, आपका व्हाट्सएप चेक स्टेटस चेक कर रहे हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे आपने कुछ पोस्ट किया है नहीं वो देख रहे हैं, आपके फ्रेंड से आपके बारे में पूछ रहे हैं, तो आप पे उनकी पूरी नज़र है, मे बी यू नो उनको वेट करना पड़ रहा है आपसे मिलने के लिए, और ये टाइम में वो बस आप ही के बारे में सोच रहे हैं और पूरी नज़र उनकी आपके ऊपर है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जैसे मैंने कहा यू नो एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो सकते हैं, बहुत एनर्जेटिक होंगे आपके लिए, उनका बहुत पैशनेट होंगे, आपके साथ हर चीज़ वो आपके साथ करना चाहते हैं, घूमना फिरना, घर काम करना, बाहर जाना, दे वॉन्ट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद यू, दे वॉन्ट टू यू नो ट्रैवल करना है आपके साथ, आउटडोर्स घूमना है, बहुत एनर्जी है, और आपकी तरफ बहुत 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 ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी है, प्यार का ऑफर वो करना चाहते हैं आप, वो आपको वो इस नज़र से देखते हैं जो फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे, कि आप बहुत इमोशनल हो, बहुत क्रिएटिव हो, बहुत प्यारी हैं आप, बहुत सॉफ्ट दिल की हैं आप, जल्दी से मे बी आप रोती हैं, दिल आपका बहुत सॉफ्ट है, किसी का दुख दर्द आपसे देखा नहीं जाता, आप बहुत केयरिंग है, बहुत हेल्पफुल हैं आप, जो फेमिनिन एनर्जी है, एंड आई थिंक ये जो है आपके बारे में उनको बहुत 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 अच्छा लगता है, और वो डेफिनेटली आपको प्रपोज करेंगे, अगर आप ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड देखते हैं तो हाथों में रोज़ लेके ये यू नो देयर हॉर्स इज़ रेडी एंड ही इज़ जस्ट वेटिंग टू प्रपोज टू यू, तो बहुत जल्दी जो आपका जो वेटिंग पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा और आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली आके प्रपोज करेंगे। शायद इन द पास्ट उन्होंने एफर्ट नहीं लिया है, थोड़े से स्लो हैं, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा सोच रहे हैं, लेकिन वो डेफिनेटली वो एफर्ट लेंगे। मून कार्ड का शायद ये भी मतलब हो सकता है, कुछ को डिपेंडेंसी थी, कुछ प्रॉब्लम था उनके लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उनको सॉर्ट आउट करनी थी, इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मदर के लिए कुछ इशू हो सकता है, तो आई थिंक इसके कारण वो वेट कर रहे थे, वेट करते करते डेफिनेटली आप पे पूरी तरह उनकी नज़र बनी हुई थी, पर जो भी उनके प्रॉब्लम्स थे आई थिंक वो पूरी तरह क्लियर करके आपकी तरफ आएंगे। दिस पर्सन इज़ वेरी 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 अट्रैक्टेड टू यू, बहुत पैशन है उनके अंदर आपके लिए, उनकी नज़र सिर्फ आपके ऊपर है, और जो भी कारण था डिले में कि वो आपको आके प्रपोज नहीं कर रहे हैं, वो डेफिनेटली आके आपको प्रपोज करेंगे। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, घर में कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, मदर की कुछ प्रॉब्लम है, मे बी को डिपेंडेंसी है, अल्कोहल हो सकता है,
यू नो मेडिसिन डिपेंडेंसी हो सकती है, जो भी हो आई थिंक वो सब प्रॉब्लम्स अप्रैल महीने में आई थिंक रिजॉल्व हो जाएंगे जब एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है और किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ. तो आई थिंक एस इज अ कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स है, नई अपॉर्चुनिटी है, चेंज का कार्ड है, एक्शन का कार्ड है. तो जो भी एक्शन जो वो नहीं ले पा रहे थे आपकी तरफ अब तक, वो डेफिनेटली आपकी तरफ वो लेंगे. प्रपोजल आएगा आपकी तरफ और बहुत बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एफर्ट लेके जो पैशन नहीं था वो पैशन डेफिनेटली आपके लाइफ में ज़रूर आएगा. तो पाइल नंबर टू, एक्सेलेंट रीडिंग, लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ इंटिमेसी, लॉट ऑफ एक्शन, रिकंसिलिएशन, प्रपोजल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव चोजन पाइल नंबर टू. तो यहाँ पे मैंने कोई चिट्स बनाए हैं आपके पार्टनर के बारे में, आपके बारे में पूछने के लिए. आपका नेचर क्या हो सकता है, आप लोगों का प्रोफेशन क्या हो सकता है, क्या चीज़ें आपको पसंद हैं, क्या चीज़ें आपको पसंद नहीं है. तो लेट्स सी अगर ये आपसे मैच होता है या नहीं होता है. थोड़े से हम कार्ड्स पिकअप करेंगे एंड चिट्स और देखेंगे कि कैसा होगा. ठीक है, बहुत सारे आ गए. ऑलराइट, तो आप और आपके पार्टनर को मोटरसाइकिल्स और फास्ट कार्स में बहुत इंटरेस्ट होगा एंड डेफिनेटली वॉन्ड्स का है. यहाँ पे एनर्जी काफ़ी है, फायर एनर्जी है, मोमेंटम की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है, स्पीड की एनर्जी है एंड लव फॉर मोटरसाइकिल्स एंड फास्ट कार. मोटरसाइकिल्स और फास्ट गाड़ियों में आपको या आपके पार्टनर को इंटरेस्ट है. स्पाइंग ऑन यू आया है एंड यहाँ पे भी स्पाइंग का कार्ड है. तो डबल गारंटी या डबल आपको नो मैसेज आता है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आप पे स्पाई कर रहे हैं अगर आप सेपरेटेड हैं. आपके जो फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे, मैस्कुलिन भी हो सकता है, लंबे बाल हैं, स्किन आपकी आपके पार्टनर की बहुत फेयर स्किन है, बहुत क्लियर अच्छी स्किन है. आप शायद उनसे ऑनलाइन मिले होंगे. अगेन यू नो ऑनलाइन का कार्ड है, सोशल मीडिया का कार्ड है, तो यू मस्ट हैव मे बी उनको आप ऑनलाइन मिले होंगे. अफ्रेड टू अप्रोच यू का कार्ड है और मैंने आपको जस्ट कहा था कि वो शायद डर रहे हैं कि आपको अप्रोच कैसे कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कोई चीज़ें ठीक हो जाएँ और फिर आपको अप्रोच करें. आपसे उम्र में, आप आपके पार्टनर से उम्र में काफ़ी छोटी हो सकते हैं या वो आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं. एग्रीकल्चरल गार्डनिंग में काफ़ी उनका इंटरेस्ट हो सकता है, कंप्यूटर्स में काफ़ी इंटरेस्ट हो सकता है और मैनेजमेंट एचआर और पीआर में आई थिंक वो बिजनेस वाइज या जॉब वाइज हो सकते हैं. उनकी ब्लैक या डार्क ब्राउन आँखें हो सकती हैं, काली या बहुत ब्राउन कलर की आँखें हो सकती हैं. घने बाल होंगे उनके, थिक घने बाल उनके हैं. आपके जो मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पे, उनके जो शोल्डर्स हैं, जो खांदे हैं, वो बहुत ब्रॉड और बड़े होंगे. लव्स दी आउटडोर्स है यहाँ पे, जैसे मैंने कहा था आपके साथ बाहर घूमना पसंद करेंगे, बाहर जाना पसंद करेंगे एंड लव द आउटडोर्स है. मे बी मोटरसाइकिल राइड पे आपको लेके जाना या कार राइड्स उनको काफ़ी पसंद होगी. थोड़ा नेचर उनका स्ट्रिक्ट होगा कि जैसे वो चाहते हैं चीज़ें वैसी होनी चाहिए. आपके को वर्कर हो सकते हैं, इकट्ठा आप लोगों ने शायद काम किया होगा. गॉड फियरिंग या आपके पार्टनर गॉड फियरिंग होगी, डिवाइन भगवान अल्लाह ईश्वर उनमें विश्वास रखते होंगे एंड एक्स्ट्रोवर्ट होंगे, लव टू टॉक होंगे. तो आई थिंक बिल्कुल यू नो एरीज लियो सैजिटेरियस के कार्ड्स हैं, फायर एनर्जी है, एक्स्ट्रोवर्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी कारण था, मून कार्ड के जो कारण हो सकते हैं उसके कारण शायद डर रहे थे आपको अप्रोच करने के लिए. लेकिन अप्रैल महीने में डेफिनेटली लॉट ऑफ पैशन, लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ घूमना फिरना, अगर सोशल आइसोलेशन हमारा बंद हो जाए तो इच्छा तो उनकी बहुत है कि आपके साथ काफ़ी एक्टिविटीज़ करें, इंडोर आउटडोर, और आपके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करें. तो येस, दिस इज़ वॉट आई हैव फॉर माई पाइल नंबर टू, जिन्होंने क्लियर कॉर्ड्स चूज़ किया था. अप्रैल इज़ गोइंग टू बी फुल ऑफ लव एंड पैशन फॉर यू. ठीक है, पाइल नंबर थ्री देखते हैं अब, जिन्होंने रोज कॉर्ड्स चूज किया था. ओके, okay.
ऑल माई फ्रेंड्स जिन्होंने पाइल नंबर 3 रोज क्वार्ट्ज चूज़ किया था. अप्रैल का महीना लव में आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? हाउ इज़ अप्रैल गोइंग टू बी इन लव फॉर माई फ्रेंड्स हु हैव चोजन पाइल नंबर 3 रोज क्वार्ट्ज. ठीक है, टू मोर शफल्स प्लीज. ओवरऑल एनर्जी जस्टिस की है. यू कुड बी डीलिंग विद अ लीब्रा. नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल कार्ड. ठीक है, रोमांस एंजल से क्या है जल्दी से देखते हैं. Pay attention to the red flags. Stay optimistic about your love life. And let your friends help you. ठीक है. जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज किया है, आई थिंक कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में, या आपको आई थिंक कुछ तो पता चला है आपके पार्टनर ने शायद किया है, या कुछ घटनाएं आपको आई थिंक समझ में आई हैं जिसके कारण आपने डिसाइड किया है कि बस बहुत हो गया, मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए है. और आपने पॉजिटिवली वो एक्शन लिया है और खुद होके आई थिंक आप लोगों ने ये ब्रेकअप किया है. पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स है यहाँ पे, तो इसका आई थिंक क्लियर मतलब है कि शायद आपके पार्टनर ने या तो आपको चीट किया है, किसी चीज़ों के कारण झूठ बोला है, अपनी सच्चाई नहीं बताई है. थर्ड पार्टी का मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी और के रिलेशनशिप में है, या फैमिली के कारण कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पैसे का कुछ प्रॉब्लम है, जो भी है आई थिंक उसके कारण आपको पता लगा है कि कुछ तो हुआ है और आपने डिसाइड किया है कि आप बिल्कुल हिम्मत दिखाएंगे, ये जो गलत चीज़ें हो रही हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. और आई थिंक आपका जो रिलेशनशिप है वो आप डिसाइड करेंगे कि मुझे बस ये रिलेशनशिप तोड़ देना है. बस आपको पता लगा और आपने इसके बारे में ज़्यादा सोचा भी नहीं, बहुत हिम्मत दिखाई और झट से बोला कि नो, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट टेक दिस, और आपने वो रिलेशनशिप एंड कर दिया है. यू कुड बी डीलिंग विद लीब्रा. वॉन्ट्स की एनर्जी काफ़ी है यहाँ पे. एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, एंड एयर साइन है यहाँ पे. फूल कार्ड जो है मेजर अरकाना है, एयर साइन है, तो एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा भी हो सकता है आप या आपके पार्टनर. जस्टिस का कार्ड जब आता है तो इसका मतलब है कि आपको जस्टिस मिली है या आपने जस्टिस दिया है. तो जो गलत था, जो गलत था, विच वॉज रॉन्ग, आपने उसको करेक्ट किया है, आपने सच्चाई का साथ दिया है, एंड आई थिंक आपने आपके रिलेशनशिप को बिल्कुल बिल्कुल तोड़ दिया है. बहुत आई थिंक आपको काफ़ी दिनों से शायद पता होगा, मे बी आपके फ्रेंड्स की तरफ से या किसी और की तरफ से, कि कुछ ना कुछ तो ठीक नहीं है आपके रिलेशनशिप में, और अकेले आप वो रिलेशनशिप का बोझा लेके घूम रहे थे. मे बी आपके पार्टनर ऐसे थे कि रिलेशनशिप में रह के भी वो आपको ज़्यादा सहारा नहीं दे रहे थे, आपको ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे थे. रिलेशनशिप में रहते हुए भी उनको इंडिपेंडेंस चाहिए था, उनको उनका फ्रीडम चाहिए था, उनको अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना है, पब में जाना है, बार में जाना है, घूमने जाना है, विदाउट यू, अकेले. तो आई थिंक उसका आपको आप वो सब बहुत दिनों के लिए आई थिंक आप लोगों ने एक्सेप्ट किया था, उसका बोझ लेके आप घूम रहे थे, एंड आई थिंक फाइनली आपने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे ये नहीं लेना है. टू टाइम्स नंबर 9 है और टू टाइम्स नंबर 10 है, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है. 9 जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि
मटीरियलाइजेशन जैसे हम बोलते हैं कि या अटेनमेंट बोलते हैं कि आपने बस वो हिम्मत की है और आपने खुद के लिए वो पाया है. एंड 10 का नंबर 10 जो है वो कंप्लीशन का कार्ड है, एंड ऑफ अ साइकिल का कार्ड है, बर्डन को जो बोझा है उसको छोड़ देने का कार्ड है. लेकिन आगे के आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं. आपको फूल का कार्ड मिला है, जो फूल मेजर अरकाना है नंबर 0, जिसका मतलब है कि आपने बहुत अप्रैल के महीने में, जी हाँ, शायद आपका ब्रेकअप होगा, आपका रिलेशनशिप टूटेगा, लेकिन आई थिंक आपने बहुत समझदारी से, बहुत प्रैक्टिकली और मैच्योरली आपने डिसाइड किया है कि ये जो रेड फ्लैग्स हैं, ये जो रिलेशनशिप है मेरे लिए हेल्दी नहीं है, टॉक्सिक है, मेंटली इमोशनली फिज़िकली मेरे लिए अच्छा नहीं है, और आपने ये रिलेशनशिप का बोझा छोड़ दिया है. आपकी इंडिपेंडेंस आपने गेन की है. आपने सोचा है कि नहीं, मैं मेरे करियर की तरफ ज़्यादा फोकस करूँगा या करूँगी, और आपने ये रिलेशनशिप बिल्कुल भी यू नो कट ऑफ कर दिया है. एंड आगे जाके बहुत पॉजिटिव एनर्जेटिक न्यू बिगनिंग है. एंड आई थिंक यू आर रेडी टू टेक, अगर नया ऑफर आएगा आपकी तरफ तो आई थिंक यू विल बी ओपन टू टेक इट. आप एक्साइटेड होंगे, खुश होंगे, आप रेडी होंगे कि आप ये रिलेशनशिप की तरफ जाएं, या तो आप किसी को प्रपोज करोगे या कोई आपको प्रपोज करेगा. एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस. तो आई थिंक यू आर अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है आप, बहुत होशियार हैं, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, मेच्योर हैं आप, और आई थिंक आपने बहुत अच्छी तरह खुद को संभाला है. तो वेल डन, आई एम वेरी हैप्पी जब ऐसे पॉजिटिव कार्ड्स आते हैं. जी हाँ, रिलेशनशिप एंड हुआ है, बुरी तरह आपको ऐसे लगा है कि आपके पीठ में यू नो किसी ने छुरा खोबा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो सूरज, नया सूरज आ रहा है ऊपर, एंड द जो जो ख़राब था वो चले गया है, और नाउ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट समथिंग न्यू. And you are going to move ahead in a very positive, open manner, in a very optimistic manner. And definitely, I think आपको वो justice मिलेगा. अगर आप शादी में हैं तो I think डिवोर्स के चांसेस हैं. आई थिंक आपके पार्टनर ने फॉर वॉट एवर रीजन्स, आई थिंक काफ़ी रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स थे. यू नो थर्ड पार्टी, मुझे नाम यूज़ करना अच्छा नहीं लगता, बट मे बी पॉसिबिलिटी है कि यू नो कुछ और, कोई कुछ भी रीजन्स हो सकते हैं. आपके पार्टनर ने इंडिपेंडेंस चाहा होगा, कोई और वॉट एवर सिचुएशन जो आपकी है, आई थिंक उसके कारण डिवोर्स हो सकता है. आपके फ्रेंड्स ने आपको बहुत इस टाइम पे हेल्प की है, दे आर योर सपोर्ट सिस्टम. एंड डिवोर्स होगा, रिलेशनशिप एंड होगा, लेकिन यू विल कम आउट वेरी स्ट्रॉन्गर. आप इसमें से बहुत पॉजिटिव निकलोगे, स्ट्रांग निकलोगे, एंड इफ़ यू आर रेडी, देयर इज़ न्यू लव कमिंग टू यू. You are willing to step into the new world बिल्कुल free, बिल्कुल you know कि ठीक है, जो हो गया हो गया, I am ready नए प्यार के लिए, मैं तैयार हूँ. तो अच्छे cards हैं बहुत. of course you know रिलेशनशिप टूटेगा, लेकिन बुरा रिलेशनशिप टूटेगा, जो आई थिंक आपको बिल्कुल भी खुशी नहीं दे रहा था. रिलेशनशिप का बोझा आपके ऊपर था, मे बी आपके पार्टनर कुछ इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे थे रिलेशनशिप में, होके भी शायद आपको बहुत अलग लग रहा था, और डेफिनेटली आपने बहुत कोशिश की है अकेले रिलेशनशिप को मेंटेन करने की, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट आपने कहा बस हो गया, मैं नहीं इसको और एक्सेप्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और आपने या तो सेपरेशन कर लिया है या आपने डिवोर्स मांगा है. एंड आगे जाके बहुत पॉजिटिव, बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं. न्यू स्टार्ट है, मूवमेंट है, ग्रोथ है, एंड ऑफ कोर्स द फूल कार्ड इज हरफन मौला. बिल्कुल नो टेंशन, जो आएगा आएगा, उसको मैं पॉजिटिवली एक्सेप्ट करूँगा या करूँगी, ऐसा ये कार्ड है. तो आई एम हैप्पी कि जो बुरी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, जो आपको तंग कर रही थी, जो आप पे बोझा थी, जो अनफेयर चीज़ें थी, जो गलत हो रहा था आपसे, आपने खुद हिम्मत दे के उसको काटा, तो वेरी गुड. ये मैंने थोड़े कार्ड्स बनाए थे कि आपके और आपके जो पार्टनर है उनके बारे में कोई चीज़ें जानने के लिए. तो जो नया इंसान अभी आपके लाइफ में आएगा, तो आप या आपके पार्टनर जो नए आएंगे आपके लाइफ में, कहाँ मिलेंगे, कैसे होंगे, क्या प्रोफेशन के होंगे, तो वो हम थोड़े से कार्ड्स पिकअप करेंगे. ठीक है,
तो ये आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं, उनको रीडिंग बहुत, आपको या आपके पार्टनर को रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता होगा। वेरी ट्रेडिशनल होंगे नेचर में, उनके जो नेचर है या उनका जो आउटलुक टुवर्ड्स लव रिलेशनशिप बहुत ट्रेडिशनल होगा। डॉक्टर हो सकते हैं या उनको हॉस्पिटैलिटी, कुकिंग, बेकिंग, केटरिंग की बिजनेस में हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, या डॉक्टर हो सकते हैं आपके पार्टनर, या लॉयर भी हो सकते हैं। तो मिक्स ऑफ कार्ड्स आए हैं। आप या आपके पार्टनर थोड़े लेजी भी हो सकते हैं, आराम करना, आराम से बैठ के बुक्स पढ़ना ऐसा हो सकता है। गॉड फियरिंग है, भगवान के बारे में सोचते हैं, अच्छा लगता है प्रे करना, और वेरी ट्रेडिशनल है। बात करना उनको अच्छा लगता है। मे बी आप उनसे ऑनलाइन मिले होंगे, आपसे उम्र में थोड़े यंग होंगे, आपके आपके पार्टनर के बहुत शॉर्ट बाल होंगे, छोटे छोटे बाल होंगे। नॉन वेज फूड खाना उनको बहुत अच्छा लगेगा। या तो आपके ओल्ड फ्रेंड होंगे या फैमिली फ्रेंड होंगे जो ये नए आपके लाइफ में आएंगे। और यहाँ पे ये कार्ड भी है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो मे बी आपके ओल्ड फ्रेंड या फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं। मोटरसाइकिल उनको काफ़ी अच्छी लगती होंगी, तेज गाड़ियाँ चलाना उनको अच्छा लगता होगा। आउटडोर्स पसंद है उनको, थोड़े नेचर में स्ट्रिक्ट होंगे। स्वीट्स और चॉकलेट्स उनको बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। बड़े शोल्डर्स होंगे उनके, और थिक बाल भी हो सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स हैं आपके या आपके पार्टनर जो नए आपके लाइफ में आएंगे। तो अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वंस अगेन, सब लोगों के साथ नहीं रेजोनेट होगा, जो अगर हुआ तो आई एम हैप्पी, अगर नहीं हुआ तो कम बैक द नेक्स्ट टाइम, एंड आई एम श्योर यू नो आपकी एनर्जीज वो कार्ड्स में आएंगी। एज ऑलवेज प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। मुश्किल हो रही है बट वी विल गेट थ्रू दिस। एक्सेप्ट करना है कि घर बैठेंगे तो ही स्वस्थ रहेंगे। एंड एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। व्हाट यू फोकस ऑन इज़ व्हाट यू विल गेट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू।